यस, तो हम कोर जावा का यूनिट 3 का चैप्टर, ठीक है, AWT प्लस कंपोनेंट का लेक्चर में, ठीक है, देन हमने इवेंट डेलीगेशन मॉडल्स, इवेंट क्लासेस देखे, देन कुछ देखे, उसके बाद हम लास्ट टाइम बॉक्स हमने, अब ये जो रेडियो बटन क्लास है, तो चेक बॉक्स कन्वर्ट्स अ चेक बॉक्स इनटू अ रेडियन बटन, कंस्ट्रक्टर टू चेक बॉक्स चूज यूजेस अ चेक बॉक्स ग्रुप ऑब्जेक्ट, क्लास हैज ओनली चेक बॉक्स ग्रुप, इट हैज अ मेथड टू यूज डिटरमाइन व्हिच चेक बॉक्स फॉर करंटली चेक। तो यहाँ पे देखो एक प्रोग्राम दिया, द नेक्स्ट चॉइस सब्जेक्ट प्रोवाइड चॉइसेस एंड ओनली द आइटम ऑफ द लिस्ट कैन बी सिलेक्टेड, द क्लास हैज ओनली वन कंस्ट्रक्टर व्हिच इज डिफॉल्ट चॉइस ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। व्हेन यूजर क्लिक्स ऑन द चॉइस कंट्रोल द होल लिस्ट ऑफ चॉइस पॉप अप एंड यूजर कैन सिलेक्ट वन आइटम अमंग द लिस्ट। तो एक चॉइस मतलब क्या होगा कि लिस्ट में आपको सब ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे चॉकलेट केक है या फिर कौन सा आपका पाइनएप्पल केक है, स्ट्रॉबेरी केक है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो चॉइस में से खाली एक ही जो ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं, ओके यस। यहाँ पे एक चॉइस का प्रोग्राम दिया है, देखो हॉट डॉग बर्गर पेस्ट्री, तो ये इसमें से आपको खाली मैं मतलब ये जो पॉपअप्स मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय चॉइस, तो आपको क्या करना है, खाली एक ही ऑप्शन आप उसमें चूज कर सकते हैं, देन यस देन लिस्ट, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट दिस क्लास प्रोवाइड्स अ लिस्ट विथ मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन एंड स्क्रोल बार्स। तो इसमें क्या आएगा, स्क्रोलिंग करने को भी ऑप्शन आएगा और मल्टीपल ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी पिज्ज़ा है तो पिज्ज़ा विथ चीज़ या फिर एक्स्ट्रा चीज़ विथ मशरूम्स, ठीक है, तो आप मशरूम को भी चूज़ करेंगे विथ एक्स्ट्रा चीज़ को भी चूज़ करेंगे, ठीक है, तो आपका जो पिज्ज़ा है विथ एक्स्ट्रा चीज़ एंड विथ मशरूम्स, ओके, तो ऐसे मतलब आप मल्टीपल ऑप्शन उसमें चूज़ कर सकते हैं। आगे है टेक्स्ट फील्ड, इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टेक्स्ट फील्ड कॉल्ड द क्लास प्रोवाइड्स अ सिंगल टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल जनरली यूज्ड टू टेक अ इनपुट फ्रॉम द यूजर, इट इज डिफाइन अ फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर दैट इज टेक्स्ट फील्ड देन इंट मैक्सिमम कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग एसटीआर। तो ये जो फर्स्ट वाला है टेक्स्ट फील्ड, तो टेक्स्ट फील्ड बेसिकली यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है, ठीक है, यस, देन यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट है तो वो क्या करेगा, एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है, देन जो सेकेंड वाला है कंस्ट्रक्टर, इट क्रिएट्स अ टेक्स्ट फील्ड दैट अबाउ मैक्सिमम ऑफ कैरेक्टर स्पेसिफाइड बाय मैक्सिमम ऑफ वैल्यूज, सॉरी मैक्सिमम ऑफ कैरेक्टर्स मतलब मैक्सिमम कैरेक्टर्स वो लेगा, ठीक है, उसकी लिमिट बताया है इसने। देन जो थर्ड कंस्ट्रक्टर है, इट क्रिएट्स अ इनिशियल टेक्स्ट बाय स्पेसिफाइड बाय स्ट्रिंग एसटीआर, ओके यस, देन आगे है टेक्स्ट एरिया, सो इट इज़ अ मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड, तो टेक्स्ट एरिया मतलब क्या है, उसमें मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड्स हैं, ठीक है, अ टेक्स्ट एरिया इज यूज टू प्रोवाइड अ पैराग्राफ मल्टीपल लाइंस एज अ इनपुट, मतलब आप अगर यूजर में है तो एक सिंगल टेक्स्ट फील्ड रहेगी, ठीक है, लेकिन अगर पैराग्राफ पूरा लेना है मतलब यूजर से इनपुट, तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया, ओके, तो यहाँ पे देखो उसके कंस्ट्रक्टर जो है टेक्स्ट एरिया इंटीजर मैक्सिमम लेंथ मैक्सिमम रोज, तो उसमें रो एंड लाइंस आप ऐड कर सकते हैं, और टेक्स्ट एरिया जो पहला वाला है उससे क्या होगा, एक खाली टेक्स्ट एरिया क्रिएट होगा, ठीक है, ये जो, जो और देन थर्ड जो है टेक्स्ट एरिया स्ट्रिंग एसटीआर, यस वो क्या करेगा, तो स्ट्रिंग लेगा, ठीक है, यस, देन लेआउट एंड लेआउट मैनेजर, इट इज़ अ वेरी टीडियस जॉब टू अलाइन द कंपोनेंट्स ऑन द विंडो,
All the components which we have studied so far appears on the screen using add method. These components by default post position on screen using default layout manager. Role of layout manager is to position this component using different alignment algorithms. The layout manager is set by using set layout. तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपका टेक्स्ट आता है वो बाय डिफॉल्ट आता है, तो उसको कुछ अलाइनमेंट वगैरह दी नहीं रहती, ठीक है। तो ये जो है कौन सा लेआउट एंड लेआउट मैनेजर्स में आप क्या करते हैं, तो सेट सेट लेआउट जो मेथड है उससे हम जो है उसका जो लेआउट है वो चेंज करेंगे, ठीक है। मतलब जो उसको अलाइनमेंट है वो मैक्सिमम सेंटर है या फिर साइड में लेना है, तो उससे हम उसकी अलाइनमेंट जो है चेंज कर सकते हैं। Yes, then there are four layers: low layout, border layout, GND layout, and chord layout. Yes, the four layout क्या है? It is a default layout manager. Then all the previous example have used this layout. Okay, then. This is a simple layout which arrange the components in added. When more components fit in the line, it begins with text line. By default, it keeps space of 5 pixels between vertical and horizontal component. To create an object, the layout manager flow layout int align. Yes, so यहाँ पे एक program है उसका, ठीक है? Okay, so next one हम देखेंगे border layout. Is it for borders? Is for side? And one center area. It is a side are referred as east and west. In the middle area called center, we can place a fixed width component on the edge. Here is a little list of constructor of border layout. तो यहाँ पे देखो border layout के कुछ constructor है, जैसे border layout, layout int horizontal gap into vertical, horizontal और vertical उसको adjust करने के लिए, ठीक है। Yes, then grid layout is for the position of component in two-dimensional grids. Here is the list of constructor of grid layout. That is grid layout, integer row and columns create करने के लिए. Then grid layout int rows, int columns, int horizontal, int vertical. Row और columns को horizontal और vertical set करने के लिए, ठीक है? Yes, then यहाँ पे उसका उसको use करके कुछ program दिया है constructor को, ठीक है? Yes, then card layout. Card layout is a unique layout among the other layout manager. Different card layout object can have different layout. The card layout manager should held in object panel. Other panel object can be made visible, invisible as per user's input. Here are the constructor of card layout. Card layout and card layout int horizontal gap, int vertical gap. तो उसको जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल ऐड करने के लिए ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। यस, उसके बाद हमें देखना है मेन। इंग्लिश द क्लासेस एसोसिएट विद क्रिएशन ऑफ मेनू इन जावा। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि लिस्ट करो क्लासेस जो एसोसिएटेड है विद क्रिएशन ऑफ मेनूज। There are four classes in java.awt package that are associated with creation of menu. ठीक है, देखो बहुत important topic है, menu से related चार हमें अभी classes देखनी है। class menu bar, class menu item and class checkbox menu item. ठीक है, तो first one अभी हम description में देखेंगे। class menu bar, to create a menu bar, first all the create of object class menu bar. This class has only one constructor, that is default constructor, because menu bar do not requires any parameters title or setting. तो इसमें हमें कुछ भी parameters pass नहीं करने होते, ठीक है, खाली menu bar जो open round bracket, open close bracket, ठीक है। Yes, then next is class menu. An object of this class provide a menu option under which my menu items are fabricated. Menu class has following constructor, that is menu and menu string menu title. The first constructor creates a menu without any title, and second constructor creates a menu with specified name. Yes, then next one is class menu item has a following three constructor.
मेन्यू आइटम क्या करेगा, एक मेन्यू आइटम क्रिएट करेगा एंटी, ठीक है। देन जो सेकेंड कंस्ट्रक्टर है, इट क्रिएट्स अ मेन्यू आइटम कंटेनिंग आइटम टाइटल एज टाइटल। देन क्लास चेकबॉक्स मेन्यू आइटम, द चेकबॉक्स मेन्यू आइटम क्लास प्रोवाइड्स अ चेकबॉक्स मेन्यू आइटम एंड इट डिफाइन्स अ फॉलोइंग ओवरलोड कंस्ट्रक्टर, दैट इज चेकबॉक्स मेन्यू आइटम, चेकबॉक्स मेन्यू आइटम स्ट्रिंग टाइटल, चेकबॉक्स मेन्यू आइटम स्ट्रिंग टाइटल बुलियन चेक। और बुलियन पता है ना आपको, 0 और 1 वैल्यूज रहती है उसमें। ओके यस, तो ये थे 4 रिलेटेड टू मेनू, ठीक है। कौन से हैं? क्लास मेनू बार, क्लास मेनू, क्लास मेनू आइटम एंड क्लास चेकबॉक्स मेनू आइटम, ठीक है। और जो लेआउट मैनेजर हमने ऊपर देखा, उसके कौन से हैं? उसके कुछ कौन से 4 टाइप्स देखे हमने? फ्लो लेआउट, देन कार्ड लेआउट, ग्रिड लेआउट एंड बॉर्डर लेआउट, ठीक है। तो ये था चैप्टर 4, ठीक है, दैट इज AWT। AWT पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट विंडो क्लासेस, उसमें हमने कंपोनेंट क्लासेस देखा, डेलीगेशन मॉडल्स देखे, ओके, देन इवेंट क्लासेस देखे। यस, और कंपोनेंट क्लासेस कौन से हैं उसको हमने डिस्क्रिप्शन में देखा, जैसे बटन है, चेकबॉक्स है, चॉइस है। तो बटन इज फॉर क्रिएटिंग अ बटन, चेकबॉक्स आप मल्टीपल आप जो ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके लिए। देन चॉइस, एक लिस्ट आएगी, उसमें आप एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। कलर, देन लेबल, टेक्स्ट फील्ड इनपुट देने के लिए, टेक्स्ट एरिया मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करता है, लिस्ट एक लिस्ट क्रिएट करता है। देन मेन्यू, मेन्यू से रिलेटेड हमें 4 चीज़ें देखी, ठीक है, एंड मेन्यू बार। तो मेन्यू से रिलेटेड जो है, मेन्यू, मेन्यू बार, मेन्यू, चेकबॉक्स आइटम, ओके।